बेटा जी जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट किया है उसके 2.4 एक्सरसाइज सेट बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है लास्ट वीक में। तो बेटा आज हम 2.5 से ऑनवर्ड जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो सर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले बेटा आप रियल नंबर्स को अपने नंबर्स के लिहाज से नंबर सिस्टम के लिहाज से सबसे बड़ा सेट कंसिडर कर रहे थे ऐसे ही कि हम कह रहे थे कि हमारे पास जिस तरह की मर्जी भी प्रॉब्लम आ जाए हम उसका सोल्यूशन जो होगा वो किसमें पड़ा होगा रियल नंबर। तो हम पिछली बातों को थोड़ा सा रिवाइज करें तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर हम पिछली बातों को याद करें तो सर हमने ये कहा था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप क्या करेंगे बेटा स्केयर या किसी भी रियल नंबर का जब आप बेटा क्या करोगे स्केयर करोगे तो आपको एक नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा। सर इस बात का मतलब क्या है कि आप कोई सा भी रियल नंबर लेंगे आप उसका जब क्या करोगे स्केयर तो आपको आंसर क्या मिलेगा एक नॉन नेगेटिव नंबर। सर नॉन नेगेटिव से मतलब क्या है जिस तरह से बेटा आप -1 का स्केयर करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है जी +1 -2 का स्केयर करते हो तो आंसर आपके पास क्या आता है जी 4 सर आप -3 का स्केयर करते हो आपके पास आंसर कौन आता है +1। तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं नेगेटिव्स। मैंने नेगेटिव्स से बात इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेन हमने यानी पे प्रॉब्लम आई तो हमने ये कहा कि जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो रियल नंबर्स का जो स्केयर है वो हमें नॉन नेगेटिव नंबर देता है। देखिए बेटा ये नंबर जो है हमें रिजल्ट में जो मिल रहा है क्या ये नंबर नॉन नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपके पास ये तो कॉन्सेप्ट था रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं लेकिन सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी अगर इसके ऊपर बात की जाए तो सर जिस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने इक्वेशन लेट करता हूँ x² + 1 = 0 सर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी हम इसकी डिमांड कर रहे हैं आपसे तो x² = क्या आ जाएगा बेटा -1। बेटा इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप बहस करें तो आप क्या करेंगे कि हमने अभी कहा है कि किसी भी रियल नंबर का जब आप क्या करोगे स्केयर तो आंसर आपको क्या मिलेगा नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर मिलेगा जीरो मिलेगा या जीरो से ऑनवर्ड सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे आप ठीक है। लेकिन सर ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि किसी एक्स की जगह पे आप कोई भी नंबर क्या करें पुट करें और अगर आप उसका क्या करेंगे स्केयर तो आपको आंसर क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। ये तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी ना कि अगर आप एक्स का स्केयर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा माइनस। तो सर ये बात हमारी पिछली बात से मैच नहीं कर रही। हमने पीछे ये कहा कि जिस मर्जी रियल नंबर का स्केयर कर ले आपको आंसर नॉन नेगेटिव मिलेगा। सर यहाँ पर तो नॉन नेगेटिव था लेकिन साथ ही जब आपने ये प्रॉब्लम सामने रखी है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है अगर हम किसी नंबर का क्या करते हैं स्केयर हमें आंसर क्या मिलेगा एक नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई सर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इसके लिए सर एक नया नंबर सिस्टम इन्वेंट किया यानी कि इससे रियल नंबर से बड़ा एक नंबर सिस्टम बनाया यानी कि एक बड़ा सेट बनाया सर जिसको क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ठीक है। तो हम इसकी अगर सारी की सारी थीम के ऊपर बात करें सर या सारी की सारी जो इसकी स्टोरी है उसके ऊपर बात की जाए तो ये बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है जिसको हम फिजिकली जब आप लेक्चर्स में अपीयर होंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे ठीक है। तो मैं इससे आगे फिर मैंने ये बता दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई। अब सर जो एक साइंटिस्ट था आपके पास सर लियोनार्ड आयलर इस साइंटिस्ट का नेम है सर लियोनार्ड आयलर। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस तरह से यहाँ पर देखा जाए अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू बेटा निकालू तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे जब मैं सर पर स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पर कौन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1। सर अंडर रूट ऑफ -1 जैसा नंबर हमने पहले भी ही रियल नंबर्स के अंदर ऑब्जर्व किया नो तो इस तरह के नंबर अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ -3 एंड सो ऑन इस तरह के जितने भी नंबर हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर अपीयर हो रहे हैं यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लेंगे तो सर आपके पास इस तरह का नंबर क्या आपने कहीं रियल नंबर्स के अंदर देखा तो नो हाँ आंसर लेने के सर नहीं देखा। तो ये जो नंबर था अंडर रूट ऑफ -1 लियोनार्ड आयलर एक साइंटिस्ट था सर स्विस मैथमेटिशियन था ये स्विट्जरलैंड का था सर। इसने क्या किया फर्स्ट टाइम क्या किया जी अंडर रूट ऑफ -1 को क्या पुट किया सर इसकी जगह पर उसने एक सिंबल इन्वेंट किया सर उसका नाम उसने क्या रखा आयोटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा सिंबल को आयोटा ठीक है।
ये उसने फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने रूट ऑफ माइनस वन की जगह पे बेटा क्या पुट किया था एयोटा को सर क्यों पुट किया था सर सर अगर वो इसकी जगह पे ये एयोटा सिंबल ना पुट करता सर ये आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता ठीक है वो सोल्यूशन जो होना था हमारे पास पेंडिंग ही रहना इसलिए उसने फर्स्ट टाइम ये सिंबल को इसके लिए यूज किया अब सर जितने भी नंबर्स इस शक्ल के होंगे इस शक्ल के सर जैसा मैंने अभी आपके सामने लिखा रूट ऑफ माइनस वन मैं आपके सामने लिख देता हूँ सर अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव इस टाइप के बेटा जितने भी नंबर्स होंगे इन सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है प्योर इमेजिनरी नंबर्स क्या कहा जाता है बेटा जी प्योर इमेजिनरी नंबर्स ये आपकी बुक के ऊपर जो 2.4 से बिल्कुल आगे ये टॉपिक स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके नीचे नोट में एक बॉक्स के अंदर बेटा ये सारी चीज लिखी हुई है आप वहां से पढ़ सकते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स को कहते हैं सर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स क्यों कहा जा रहा है सर कि ये जो हमने एयोटा एक सिंबल इन्वेंट किया था ये एयोटा जब सिंबल इन्वेंट किया गया था तो हमने कहा कि ये नंबर्स हमें रियलिटी पे तो कहीं नहीं दिखाई दे तो सर सिर्फ हम इसको इमेजेस ही कर सकते हैं दैट्स व्हाई हम इनको नाम क्या रख दिया इमेजिनरी नंबर्स ठीक है अब सर इनको कहा जाता है इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा इम्प्योर इमेजिनरी नंबर्स प्योर इमेजिनरी नंबर्स ठीक है इसमें ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किसकी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स असल में क्या होते ये तो हमने स्टोरी ये अभी तक तो ये पढ़ ली है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई थी और इसके लिए जो अंडर रूट ऑफ माइनस वन था उसके लिए हमने एक सिंबल इन्वेंट कर लिया एयोटा और इसमें से प्योर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं उसके ऊपर बात अब हम बात कर रहे हैं जी असल में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिफाइन करें ठीक है तो आप उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं सर स्टेटमेंट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं जी कहते हैं जी अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी एयोटा कोई भी नंबर अगर a प्लस बी एयोटा की शक्ल में लिखा होगा तो सारों से आप क्या कहा करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक है a number of the form a plus b एयोटा is called complex number where आप यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन दें उसे कि a और b क्या है तो आप कहेंगे where a b belongs to real numbers बेटा इस सिंबल को क्या बोलते हैं belongs to ठीक है तो आप तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर अगर a प्लस बी एयोटा की शक्ल में लिखा जा रहा है फॉर्म में दिया हुआ है तो आप कहोगे कि वो नंबर कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर ये जो a और b की बात हो रही है सर ये दोनों के दोनों कहाँ से आएंगे रियल नंबर्स क्योंकि जब हम कोई भी बड़ा सेट बनाते हैं तो जो बड़ा सेट बनाने के लिए हम नंबर्स लेते हैं सर वो नंबर उससे जो प्रीवियस सेट होता है वहां से उठाते हैं तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें जो हम नंबर्स इस्तेमाल करेंगे उससे प्रीवियस जो सेट होगा वो कौन सा था रियल नंबर्स तो हम रियल नंबर्स में से एलिमेंट्स हैं तो ए और बी रियल नंबर्स में से आएंगे और यहाँ पर एयोटा की क्या चीज है कि एयोटा किसके इक्वल है बेटा अंडर रूट ऑफ माइनस बेटा ये बात आपने याद रखी है कि एयोटा को हमने क्या चीज लेट किया हुआ है अंडर रूट ऑफ माइनस सर क्यों लेट किया हुआ है फॉर आवर कन्वीनियंस सर कि हम अपनी आसानी के लिए सर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सर हमने इसको एयोटा को अंडर रूट ऑफ माइनस वन के इक्वल लेट किया ठीक है अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इनको z से डिनोट किया जाता है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं जी जो अगर आप इसको z से डिनोट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा सर a plus b z is equal to a plus b ठीक है ये तो हो गया सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 3 plus 4 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये a plus b और ये होगा सर a प्लस बी एयोटा की फॉर्म को ये इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब ये कौन सा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम इसी तरह से मैं एग्जांपल लिख देता हूं बेटा आपके सामने 4 माइनस 9 एयोटा सर क्या ये a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में है यस सर है सर इधर तो प्लस नहीं है तो आप क्या इसे इस तरह से नहीं लिख सकते 4 प्लस माइनस का 9 ब्रैकेट में लिख दो और ये क्या आ जाएगा एयोटा तो ये माइनस 9 किसके तौर पर बिहेव कर रहा है सर b के तौर पर ठीक है ये यहां पर माइनस 9 b को शो कर तो जितने भी नंबर हैं जो कि a प्लस b एयोटा की फॉर्म में आएंगे सर उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या चीज होती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो कहते हैं जी जो जितने भी नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी आपने जब बात की थी तो आपने क्या कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं जो a प्लस b एयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो कहते हैं जी द सेट
कंसिस्टिंग या जो आपके पास ऐसा सेट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कंटेन कर रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मसलन मैं आपको कहता हूं इस जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा, उसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे डिनोट करते हैं बेटा, सी से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जी, सच दैट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सर इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनकी शक्ल ए प्लस बी जैसी होगी, वेयर साथ आप ये बताओगे कि जो ए और बी हैं ये कहां से आ रहे हैं सर, रियल नंबर्स में से। एंड आप इसके साथ क्या चीज बताओगे, एंड जो यहां पर आयोटा है ये किसके इक्वल है बेटा, अंडर रूट ऑफ माइनस। इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स को जब आप एक सेट के अंदर इकट्ठा कर दोगे तो सर वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी बात डिस्कस करनी है, पेपर में इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। गौर से देखिएगा बेटा, क्या जी क्या मैं कहता है जी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस बी, इसमें दो चीजें होती है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें सर कौन कौन सी, एक बेटा इसमें है रियल पार्ट और एक बेटा इसमें आता है इमेजिनरी पार्ट। सर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z, z क्यों सर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम ही क्या रखा हुआ है, z रखा हुआ। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, r e आगे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बेटा जी z, रियल पार्ट ऑफ z को लिखने का शॉर्टकट मेथड क्या बेटा, r e लिखे ब्रैकेट में क्या लिखते z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम जिससे आपने उसको डिनोट किया होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z बेटा कौन है, रियल पार्ट कौन होगा बेटा यहाँ पर a, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा जी वो कौन होगा जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन है बेटा, b है, कौन है बेटा b। स्टूडेंट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त सर गलती क्या करते हैं, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके साथ एयोटा के साथ अटैच करते हैं, नो सर इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जो आयोटा के साथ वैल्यू अटैच है सिर्फ वो बतानी है आपने, आयोटा ही हिसाब में करना है ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बताना है, इमेजिनरी नंबर भी पूरा पूरा बताना ठीक है। तो आपके पास रियल पार्ट कौन सा सर, जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है वो कौन है ए, और जिस नंबर के साथ आयोटा है वो कौन सा है बी, इसलिए इमेजिनरी पार्ट कौन होगा बच्चे बी होगा। आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जी एक नंबर दिया हुआ है जी 2-3 आयोटा, और आपसे पूछा जाता है इसका रियल पार्ट बताएं या इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से z, z के इक्वल इसको ऐड कर लेते हैं 2-3 आयोटा। तो आप क्या करोगे इसका जब रियल पार्ट बताओगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट कौन है जी 2 ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कौन होगा इसका बेटा, कौन होगा जी 3, नो सर इमेजिनरी पार्ट कौन होगा बेटा जी -3, साइन का भी क्या रख है ठीक है, तो आयोटा के साथ होने जी -3 को इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया जाएगा, और जो आपके पास रियल पार्ट होगा वो कौन है 2 है, क्योंकि इसके साथ आयोटा अटैच नहीं। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चले एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपसे मैं ये कह दूं कि नंबर खाली लिखा हुआ है 3 आयोटा, तो आपने इसका रियल पार्ट बताना है और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो जी बताएं इसका रियल पार्ट क्या होगा, क्या रियल पार्ट आपको तो दिखाई दे रहा है नो, तो रियल पार्ट कौन होगा फिर 0, और इमेजिनरी पार्ट कौन है 3, इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा 3 है। तो ये आपके पास इस तरह की शक्ल में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जा सकता है ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ठीक है, लेकिन कन्वर्स मे नॉट बी पॉसिबल ठीक है। अब आज की हमारी जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इसी के ऊपर था जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमने क्या बात की है जी, पहले हमें ये पता था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो एक, या किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन फिर हमें इस तरह की जब प्रॉब्लम एक फेस करने से आई, एक से कोई और प्रॉब्लम्स निकलती हैं, तो हमने कहा जी ये स्टेटमेंट का तो मतलब है कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव, तो हमने फिर इस नंबर को क्या लेट कर दिया आयोटा के इक्वल अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा कंसीडर किया, और फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इसको यूज किया था उसका नाम क्या था बेटा जी, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर, और
बेटा हमने ये बात की कि रूट ऑफ माइनस वन रूट ऑफ माइनस थ्री इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इस टाइप के उन सारे नंबर्स को क्या कहा जाएगा प्योर इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक दूसरा नेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात की तो हमने ये कहा कि कोई भी नंबर अगर ए प्लस बी बटा की फॉर्म में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स में से लेके जाएंगे और ए बटा किसके इक्वल होगा जी अंडर रूट ऑफ माइनस वन और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने ये कह दिया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी शक्ल इस तरह की होती है और आप उसको सेट बनाने के लिए सर उसको सेट को जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उसको सेट नॉट किया जाता है सी के साथ और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें होती है एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट रियल पार्ट उसका वो होता है जिसके साथ आयोटा अटैच नहीं है और जिसके साथ आयोटा अटैच होता है सर वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ओके बेटा इस लेक्चर को अच्छी तरह से आपने सर रिवाइज करना है बुक से इसको रीड आउट करना है बुक के ऊपर इसकी जो डेफिनेशन है दोनों वो याद कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात।